हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 20, जो बात करता है आपका मॉनेटरी रिलीफ की। मॉनेटरी का ही मतलब क्या होता है? मनी। ठीक है, जहाँ भी मॉनेटरी का मतलब है उसका मतलब ही मनी होता है। रिलीफ का मतलब आपका कोई सहायता। ठीक है, वाइल डिस्पोजिंग एप्लीकेशन, जब जज जो है सेक्शन 12 में जो मैजिस्ट्रेट के सामने लगती है एप्लीकेशन, उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है, उसको जब वो डिस्पोज ऑफ करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करेगा किसको? सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को। तो जज क्या करेगा, इसमें मॉनेटरी रिलीफ भी बांध देगा। ठीक है, किसके लिए? एग्री पर्सन के लिए भी और उसके चाइल्ड के लिए भी, अगर इफ एनी, अगर बच्चा है तो। ठीक है, किन चीज़ों से रिलेटेड करेगा? कि आपका लॉस ऑफ अर्निंग, अगर एग्री पर्सन को लॉस ऑफ अर्निंग हुई है। ठीक है, यानी कि वो मान लो 15,000 रुपये कमाती थी, पर उसकी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसके 15,000 रुपये आना बंद हो गए। किसके पास? एग्री पर्सन, यानी कि वुमेन या वाइफ बोल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके पास। तो कोर्ट क्या करेगा, उसके जितना उसके लॉस ऑफ अर्निंग हुई है, यानी कि उसकी कमाई का जितना भी नुकसान हुआ है, वो रिस्पॉन्डेंट को कहेगा कि भैया तू इसका पैसा दे। रिस्पॉन्डेंट मतलब हस्बैंड। ठीक है, ये यहाँ पर ये मतलब समझे। मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर एग्री पर्सन को पीटा मारा पीटा और उसके डिप्रेशन के उसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई, डिप्रेशन की बीमारी की वजह से उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वहाँ पर उसका 50,000 का खर्चा आ गया। ठीक है, अगर वो बिल्स विल सब कुछ लगा देती है तो क्या होगा, रिस्पॉन्डेंट को वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, द लॉस कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज ऑफ रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यानी कि क्या हुआ, रिस्पॉन्डेंट जो था, ठीक है, वो जब डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था किसके ऊपर? एग्री पर्सन यानी कि वुमेन या वाइफ मान लीजिए यहाँ पर उसके ऊपर, तो उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी कैसे, इस रिस्पॉन्डेंट ये अभी हस्बैंड मान लीजिए कि रिस्पॉन्डेंट कौन है, हस्बैंड है, और एग्री पर्सन कौन है, वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, जब इसको वो मार रहा था, ठीक है, तो उसके मंगलसूत्र तोड़ दिया रिस्पॉन्डेंट ने, हस्बैंड ने इसका मंगलसूत्र तोड़ दिया, मंगलसूत्र तोड़ दिया, या फिर इसके इसकी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, इसके कुत्ते को मार दिया। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी, अब कुत्ता भी जो होता है वो आपका प्रॉपर्टी में कंसिडर करा जाता है। ठीक है, कुत्ते को मार दिया, ऐसे कुछ करा, तो इसका पैसा कौन देगा? रिस्पॉन्डेंट देगा। अब मेरा एक आपसे एक सवाल है, मान लीजिए एग्री पर्सन जो है वो आपकी डॉटर है, ठीक है, और जो रिस्पॉन्डेंट है वो फादर है, क्या वो केस कर सकती है? डॉटर अपने बाप पे केस कर सकती है? आंसर इज यस, अगर इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो शेयर हाउस होल्ड में है, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो है ही, ऑब्वियस बात है, बाप बेटी है तो यानी कि बनेगा ही, तो वो केस कर सकती है। अब मान लीजिए डॉटर ने अपने फादर के खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, अब कहा, इस वक्त में क्या हुआ कि इसने इस फादर ने अपनी बेटी का डोमेस्टिक वायलेंस किया था। डोमेस्टिक वायलेंस ये था कि ये डॉक्टर को शादी नहीं करने दे रहा था उसकी मनपसंद जगह पे। ठीक है, मतलब ये अपनी बेटी को मनपसंद जगह पे शादी नहीं करने दे रहा था, तो फादर क्या करता है, इसको तोड़, इसकी प्रॉपर्टी तोड़ देता है और इसको भी तोड़ देता है, साथ में इसके घुंघरू घुंघरू सब कुछ तोड़ देता है, क्योंकि घुंघरू टूट गए, ऐसे कुछ चीज़ें सामान टूटते रहते हैं। ठीक है, तो क्या ये अपने अब जज क्या करेगा, मैं डॉटर क्या करेगी, डॉटर सेक्शन 12 में एप्लीकेशन लगाएगी, उसमें वो रिलीफ मांगेगी, 18, 19, 20 जो भी उसे रिलीफ मांगने, अभी हम आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी दिखाएंगे। और जब 12 को एप्लीकेशन को डिसाइड कर रही होगी जज, तो उसमें अगर उस डॉटर ने सेक्शन 20 के अंडर रिलीफ भी मांग रखा है मॉनिटरी, ठीक है, कि इसे इतना पैसा दिया जाए, कितना दिया जाए, इसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, वो सब कुछ हुआ है, तो जैसे इसके लड़की के घुंघरू जो थे, ठीक है, इसे डांस सीखने का शौक था, ये घुंघरू बांध रखे थे, 200 रुपये का घुंघरुओं का नुकसान हो गया, तो कौन देगा? जज कहेगा रिस्पॉन्डेंट से, यानी कि फादर से, भैया भर अपनी बेटी के पैसे। ठीक है, अगर इसके खुद की कमाई की है तो ऑब्वियस बात है फादर की कमाई की होगी तो वो क्यों भरेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है, द मेंटेनेंस फॉर द एग्री पर्सन शैल विल एज वेल एज हर चिल्ड्रन इफ एनी इंक्लूडिंग एनी ऑर्डर अंडर। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर रिस्पॉन्डेंट है, ठीक है, और उसको वो मेंटेनेंस भी देगा, किसको? आपका एग्री पर्सन यानी कि वाइफ है। ठीक है, वाइफ, एग्री पर्सन को हमेशा ये मत दिमाग में लगा के चलिए कि वाइफ ही होगी, एग्री पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, आपका मदर भी हो सकती है, कोई भी, पर एक वुमेन होनी चाहिए, ये हमेशा एग्री पर्सन क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, इसको मेंटेनेंस भी दे सकता है, और सेक्शन 125 में भी अलग से बन सकता है। हालांकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है, ठीक है, उसमें भी मेंटेनेंस क्लेम कर रही है वाइफ, ठीक है, आपका मेंटेनेंस में भी क्लेम कर रही है 125 में, आपका सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में भी क्लेम कर रही है, तो तीनों में बन गया, तो किसका पैसा मिलेगा? तीनों जगह से थोड़ा ना पैसा मिलेगा, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट जो आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस में 2,000 का बंदा, 125 में आपका 500 रुपये खर्चा बंदा महीने का, और इसमें भी आपका 600 रुपये बचा, तो कौन सा वाला पे करना पड़ेगा? आपका 2,000 वाला पे करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है, मान लो अगर इसमें सबसे ज़्यादा होता तो इसमें माना जाता है, जिस कोर्ट
जिस कोर्ट का सबसे ज्यादा पेमेंट होगी वो ही ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर सेक्शन बी एडुकेट, अब ये एडुकेट होना चाहिए, एडुकेट का मतलब यानी कि एक फेयर हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से होना चाहिए। लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, जैसे मतलब रिस्पॉन्डेंट खुद तो हाई स्टैंडर्ड में रहता है, ठीक है, और वाइफ को दे रहा है 5,000 रुपये, इसकी आमदनी है 1 लाख रुपये और ये वाइफ को दे रहा है 5,000 रुपये, और वाइफ इनकैपेबल है अर्निंग के लिए भी, ठीक है, तो ये चीज मानी जाएगी? नहीं, नहीं मानी जाएगी। जितनी जैसे लग्जरी लाइफ रिस्पॉन्डेंट जी रहा है वैसे एग्री पर्सन को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू ऑर्डर अप्रोप्रिएट लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट करेगा चाहे वो आपका मंथली बेसिस पे हो, ठीक है, या मेंटेनेंस के बेसिस पे हो, ठीक है। नेचर ऑफ द सर्कमस्टांसेस केस रिक्वायर्ड, केस के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट शैल सेंड अ कॉपी, अब मैजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, आपका सॉरी गलती हो गई, मैजिस्ट्रेट जो है वो आपकी ये कॉपी जो होगा किसकी ऑर्डर की, किसमें 20 में जो होती है, सेंड अ कॉपी किस किस को भेजेगा, आपका SHO को भेजेगा, ठीक है, आपका जो भी रिस्पॉन्ड एप्लीकेशन, सेंड अ कॉपी ऑफ मॉनिटरी रिलीफ अंडर सबसेक्शन पार्टीज, यानी कि आपका पार्टीज को भी देगा, पार्टीज में कौन कौन आ गया, आपका पिटिशनर आ गई और रिस्पॉन्डेंट दोनों को देगा और SHO को भी देगा। अब SHO कहाँ का SHO, जहाँ पर भी आपका लोकल लिमिट्स की, ठीक है, लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्स हाउस जुडिक्शन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट रिजाइड, जहाँ पर रिस्पॉन्डेंट रिजाइड करता है, SHO कौन से वाला, जहाँ पर रिस्पॉन्डेंट रिजाइड करता है वहाँ के SHO को भी देगा कि भैया ऐसे ऐसे मैंने इसका खर्चा बांधा है, ठीक है, अभी से पे देना पड़ेगा, मॉनिटरी रिलीफ दे रहा हूँ। द रिस्पॉन्डेंट शैल पे द मॉनिटरी रिलीफ ग्रांटेड द एग्री पर्सन विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड, अगर कुछ स्पेसिफाइड पीरियड करा है तो उस पीरियड में देगा, ठीक है, मोस्टली 6 महीने तक का तो टाइम मिलता ही है। अपॉन द फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, अगर रिस्पॉन्डेंट फेल कर जाता है टू मेक पेमेंट, पेमेंट करने में इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर सबसेक्शन में, द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर और डेबिटर, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये हस्बैंड है, ठीक है, ये हस्बैंड है, फादर है, कोई भी है, रिस्पॉन्डेंट कोई भी है, ठीक है, एक मेल है या मे फीमेल है, ठीक है, जिसके खिलाफ मॉनिटरी रिलीफ है, तो इसके मालिक को कहेगा कि भैया इसकी जो इनकम है वो आप एग्रीव पर्सन को दो, या जो इसके खिलाफ केस हुआ है कोई भी केस में ये जीता हुआ है उसका पैसा आना है तो वो भी एग्री पर्सन को मिलेगा। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, सैलरी वैलरी जो होगी वो उसको मिलेगी। सेक्शन 20 को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में समझते हैं, ये एक जजमेंट थी, ठीक है, मेरे केस की थी जजमेंट। अब इसमें क्या हुआ था, हमने क्लेम करी मेंटेनेंस 40,000 रुपये, ठीक है, और 50,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस, टेंशन मत लीजिए, इतना पैसा नहीं मिलता वकीलों को, अगर प्रूफ लगा रखा हो तो ही होगा, ठीक है। ऑफर लेटर लगाया था हमने R1 का, R1 कौन है, यहाँ पर आपका हस्बैंड है, ठीक है, हैज बीन फाइल्ड द कंप्लेंट रिकॉर्ड आप Mark 1, मुझे हम Mark 1 था। अब ये देखिए, ये वकीलों के लिए जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, आपके मार्क में और एग्जिबिट्स में क्या फर्क होता है, आप कमेंट करके आंसर दीजिए। नो इनकम एफिडेविट, R1 ने कोई इनकम एफिडेविट फाइल नहीं करा था, ठीक है, 82, और हमने कहा था कि इसकी जो सैलरी है वो 82,000 थी। हाउएवर द कंप्लेनेंट इज फेल्ड, पर कंप्लेनेंट फेल हो गई थी ऑफर लेटर लाने में, ठीक है, R1 इज एबल अवॉइडेड अ मैन एंड एक्सपेक्टेड, कि मतलब एबल मतलब यानी कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, तो कम से कम मेनी कोर्ट ने यहाँ पर प्रिजम्पशन ली है, ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पर प्रिजम्पशन ली है, मे वाली प्रिजम्पशन ली है, ठीक है, तो ये आप मेरे को बताइएगा कि मे प्रिजम्पशन एविडेंस एक्ट में कहाँ बात करी गई है। रूल्स R1 बींग द हस्बैंड, R1 बींग द हस्बैंड कि मतलब मिनिमम वेजेस तो कमाता होगा, हर स्टेट के हिसाब से मिनिमम वेजेस एक्ट अलग होता है, जैसे दिल्ली में कम से कम हर व्यक्ति को 15,000 तो मिलने चाहिए चाहे वो कोई भी काम करता हो, ठीक है। R1 इज डायरेक्टेड, अब R1 को यहाँ पर जजमेंट आई है, R1 इज डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ बंदा है मॉनिटरी रिलीफ मिला है, किसको, कंप्लेनेंट को, टुवर्ड्स द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के तौर पर। डेट ऑफ फाइलिंग प्रेजेंट पिटीशन, कब से मेंटेनेंस मिलेगा इसे, 1/10/10 से, यानी कि जिस दिन से केस फाइल हुआ है, ठीक है, जिस दिन से भी केस फाइल हुआ है तब से लेके अब तक का, ठीक है, डेट ऑफ डिसीजन, आप डेट ऑफ फाइलिंग से लेके डेट ऑफ डिसीजन तक का मिलेगा इकट्ठा, ठीक है। कंप्लेन इज एंटाइटेड टू रिसीव द सेम विच एवर इज अर्लियर, अगर पहले मिल जाए तो ठीक है। एनी अमाउंट पेड इन एनी प्रोसीडिंग इन प्रेजेंट प्रोसीडिंग शैल बी एजुकेटेड, आपका कोई भी प्रोसीडिंग है तो उसे भी एजुकेट कर दिया जाए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि आपका उसको जो खर्चा मिलेगा, अब यहाँ पर एक चीज और आई थी कि कितने पीरियड में, प्रिस्क्राइब पीरियड में देना पड़ेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड में देना पड़ेगा। अब ये प्रिस्क्राइब पीरियड है कितने टाइम का, ठीक है, यहाँ पर थी कितने पीरियड, जैसे मान लीजिए यही अगर है, ये 5,000 को कोर्ट लिख देगी कि 6 महीने के अंदर चुकाओ, ठीक है, एरियर्स जो है आपके 5-6 महीने में चुकाओ, किसको कहेगी, रिस्पॉन्डेंट को कहेगी, उसे चुकाने पड़ेंगे अदरवाइज जेल जाएगा। अब मान लीजिए ये तो वो बात हो गई कि रिस्पॉन्डेंट जो है वो पैसा नहीं देता, कहता मेरे पास नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, एडवर्स क्या स्टेप्स लेंगी, इसको थोड़ा सा एक बार पेन को चेंज करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट क्या करेगी, अब कोर्ट क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो वो रिस्पॉन्डेंट के एम्प्लॉयर जहाँ पर ये काम करता है उसके मालिक को कहेगा, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकर, ठीक है, मालिक को कहेगा
कि तू इसकी जो सैलरी आ रही है ना वो सीधा तू एग्री पर्सन को दे। ठीक है, एग्री पर्सन को वुमेन वाइफ हो गई, ठीक है, वुमेन होनी चाहिए, एक वाइफ हो गई, आपका डॉटर हो गई, कोई भी है। या फिर इसके अगर मान लीजिए रिस्पॉन्डेंट का किसी से थर्ड पर्सन से कोई केस चल रहा है, ठीक है, वो केस हार गया है, ठीक है, सॉरी रिस्पॉन्डेंट केस जीत गया है, तो उससे आने हैं 5 लाख रुपये। तो ये कहेगी, ये कोर्ट कहेगी मैजिस्ट्रेट रिस्पॉन्डेंट को कि इसके जजमेंट डेटर को, यानी कि जो केस हारा है उसको कहेगी कि रिस्पॉन्डेंट को तू तो 5 लाख रुपये देने वाला था ना, तो ये 5 लाख रुपये एग्री पर्सन को दे, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस के हिसाब से है। या इसकी जो अकाउंट्स होंगे उनको फ्रीज कर देगी, फ्रीज कर देगी, ठीक है, उस अकाउंट में जितना पैसा होगा बैंक को डायरेक्शन देगा मैजिस्ट्रेट कि रिस्पॉन्डेंट के जो बैंक में पैसा पड़ा है उस हिसाब से एग्री पर्सन को दे, मतलब रिकवरी करवाएगा, ठीक है, मतलब जो भी उसकी चीज़ें बंधी हुई हैं सारे वो पैसा एग्री पर्सन को देगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो ऑर्डर्स हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका धीरे धीरे ये ऑर्डर्स बना के दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।